नहर पर मॉक ड्रिल, कोविड केयर सेंटर में एसटीयू ने कराया मॉक ड्रिल, कई कमियां आई सामने। सुप्रीमो ने एनएमसीएच में कोरोना मरीजों से की मुलाकात, बोले कोरोना नाम की कोई चीज नहीं, लोगों को इसकी जांच नहीं करानी चाहिए। नालंदा में बोलेरो और टेम्पो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, 8 लोग हुए जख्मी, 1 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीज के इलाज का मॉक ड्रिल, 220 बेड का नया कोरोना वार्ड बनकर तैयार, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम के साथ एम्बुलेंस रहेगी तैयार। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नशीली दवा कारोबार का खुलासा, सुपौल से 2830 नशीली टैबलेट, गांजा, हथियार व 5 लाख नकदी के साथ तस्कर गिरफ्तार। कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी, AK-56 राइफल्स बरामद। BRA-BU के सभी कॉलेज बंद, ऑनलाइन क्लास होगी शुरू, सरकारी निर्देश के बाद विवि ने जारी किया पत्र, ऑनलाइन कक्षा संचालन की साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजने का आदेश। रितु जायसवाल के भ्रष्ट अफसर पर संज्ञान लेने की अपील, मुखिया फेम रही आरजेडी प्रवक्ता ने सीएम से की अपील, सोनबरसा वीडियो का हो अल्कोहल टेस्ट। मोतिहारी में तस्कर को ग्रामीणों ने दबोचा, पैक्स गोदाम से तस्करी के लिए ले जा रहे थे 2 ट्रैक्टर खाद, ग्रामीणों ने थाने के हवाले किया। चंपारण में बूंदा बूंदी के आसार, सुबह धूप तो निकली पर बढ़ गई कनकनी, छपरा का पारा गिरकर 8.6 डिग्री पहुंच। बिहार में सरकार के लिए रस्सा कसी, बीजेपी याद दिला रही तेजस्वी के 20 महीने का काल, आरजेडी प्लस जदयू मिले तो 156 एमएलए के साथ बनेगी सरकार। लालू राबड़ी सेवा संस्थान के संचालक को मारी गोली, पटना में बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर की फायरिंग, गंभीर हालत में इलाजरत। टेम्पो पलटने से 1 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 2389 नए केस, सभी स्कूल कॉलेज हॉस्टल कोचिंग 21 तक बंद, प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाएं होंगी। आरा में कंटेनमेंट जोन का उड़ा मजाक, निगेटिव पॉजिटिव के खेल में उलझा परिवार, कंटेनमेंट जोन से खुलेआम आ जा रहे लोग।